चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी पकोड़ा में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए भोला मूवी का एक और गाना लेके आ चुके हैं जिसका नाम है नजर लग जाएगी। इस सॉन्ग को गाया जावेद अली ने और कास्टिंग में है अजय देवगन और तब्बू। अब किसको नजर लग रही है और किसके लग रही है? हाँ ये कर लो पहले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो, आइए देख मजा आएगा। भैया जी बताओ ना आप वो कौन? अजय देवगन। मैं वो था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना पन्ना देता था। यार क्या फिर एक दिन वो मिली जिंदगी पहली बार तुम्हारे सामने रखी। कौन है? कौन है भाई? तुझसे मेरी सुबह निखरी है। तुझे देखने की है आदतें, ख्वाहिशें हैं इबादतें, चाहतों की इजाजतें, तेरा होना भी है एक हुनर। नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरी, तुझे इतना भी चाहो ना। क्या बात है।
कवाली जैसा, मतलब फील था सॉन्ग में, दिल तक टच कर रहा था सॉन्ग। मतलब वो होता है ना कि एक महफिल बैठी हुई है, बीच में आग जल रही है, वो वाला फील था। और जो उसकी स्टोरी टेलिंग थी गाने की, एक नंबर थी। अच्छा, वो कि काफी टाइम बाद ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा स्टोरी टेलिंग के लिए, क्योंकि एक अरे कहना क्या चाहते हो, जब 2013 के अंदर आते थे ऐसे स्टोरी टेलिंग वाले गाने, गानों के अंदर, गानों के वो टाइम बाद आया, तो वो भी मजा आया। बाकी एक पावर दिखाई एक अलग ही तरह की भाई वाली बहुत मतलब काफी अच्छा गाना था। और जो स्टोरी टेलिंग की बात की, वो बहुत ही ज्यादा शानदार थी। और ऊपर से मतलब जो फील होते है गाने के अंदर स्टोरी टेलिंग में, कि लड़की वो खुद हवा निकाल दी आखिरी में, मतलब मिलने के लिए, वो बहुत अच्छे फील। खैर इन बातों को छोड़, ऐसे सॉन्ग होते हैं ना, ऐसे इस टाइप के सॉन्ग, खास तौर से जैसे जावेद अली है, अल्तमास फरीदी जो है ना, अल्तमास फरीदी है, इनको ही मिलते हैं सॉन्ग यार, इनको कोई कर नहीं पाता है। सही बात, ये इसीलिए बने एक तरह से, गाना भी कह लो इनको या गजल भी कह लो, वो वाली बात है, लेकिन ये फील वाली बात है, ये तो कि आप किस तरह इसको फील में लेते हो, वो वाली बात है। बाकी मजा आया, हमने सुने जावेद अली साहब की क्वालिटी खूब सुनी है यार, क्वालिटी गाते हैं यार, मतलब अगर ये गाना, अगर ये गाना 2015 के अंदर आता तो ये गाने को मेरे ख्याल से राहत फतेह अली खान वो गाते। बात तो सही है क्योंकि अजय देवगन के जितने भी गाने ऐसे आते हैं, इन्हीं के आते हैं, और उन्होंने ही गाए हैं जितने भी गाए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ये बात सही, ये बात कि जितने भी गाने हैं वो ही गाते हैं इनके लिए, इसलिए बोला मैंने। बाकी तो ये भी बच्चे, जो मूवी आई थी सनम सरदार, बहुत सारे गाने हैं, किसको याद नहीं उसके, वही तो ऐसे क्या शाम, उसके बाद है वो है कि मेरे रश के कमल, अब किस कोई सब देख लो इनके, तो वही गाते थे, वो वाली बात है। बाकी इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो वाली बात बिल्कुल, बस हवा निकल गई, इसलिए इनको मौका मिला है। इन्होंने सही कहा कि अगर वो होते तो खैर वो ही गाते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा इसको गाया, चार चांद लगा दिए, ज्यादा अच्छा लगा, सुनने वाला है, मतलब लूप पे चला के सुनते जाओ। अजय सर टैलेंटेड लोगों को मौका देते हैं, वो दिख भी रहा है। जावेद अली साहब को कौन नहीं जानता यार, भाई ऐसे सॉन्ग दिए यार। मेरे को स्टार्टअप में जब लड़की चल के आ रही थी ना, पता नहीं अंदर से फील आया तब्बू आ रही है, बट किसी और की एंट्री करवाई, अच्छा लगा। तब्बू तो इंस्पेक्टर है, कुछ अलग रोल है नहीं क्या पता, कुछ भी कर सकता है, पुरानी यादें ताजा कर ले। पोल जो इस का नाम हाँ, फिर हमने इनकी मूवी तो इतनी देखी नहीं है, साउथ में है, एक दो मूवीज देखी है। 30 मार्च को आ रही है भोला, आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, साथ में देखना चाहते हो तो आ जाइए। बाकी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इसके मूवी के रिएक्शन के लिए वेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, बिल्कुल दबा दीजिए। जावेद अली के फैन मैं तो हूँ, अगर आप भी हैं तो आप इनकी गजल सुनना चाहते हैं कि हम रिएक्शन लेके आए, क्योंकि गजल भी सुनने में बड़ा ही एक है कि अच्छा फील, आनंद आता है, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दीजिए कि लेके आए, हम लेके आ जाएंगे। स्टे ट्यून, बाय।